नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में धान खरीदी की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। नोडल अधिकारी से लेकर धान खरीदी केंद्रों में उपयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के साधनों का व्यवस्था भी की जा चुकी है। प्रदेश में 14 नवम्बर से धान खरीदी का शुभारंभ होने वाला है। इसी कड़ी में आपको बताते चले कि गरियाबंद जिले में धान खरीदी की तैयारियों को लेकर कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने भी जानकारी दी है। कलेक्टर ने धान खरीदी को लेकर कहा कि हमारी तरफ से धान खरीदी को लेकर सभी तैयारियां चल रही हैं। जिले में भी धान खरीदी को लेकर तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक धान खरीदी के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। गरियाबंद जिले के धान खरीदी केंद्रों में जाकर तैयारियों का जायजा भी लिया जा रहा। कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने बताया कि गरियाबंद जिले में बाहरी धान की आवक को रोकने के लिए जिले में अलग अलग जगह पर 30 चेक पोस्ट भी बनाए गए। धान खरीदी के लिए बोरियों की और साथ ही केंद्रों में साफ सफाई की भी व्यवस्था की जा रही है। 14 नवंबर को धान खरीदी का शुरू होने वाला है, क्या कुछ तैयारी है जिले में? देखिए, इसके लिए हमने सभी जो धान खरीद केंद्रों हैं उनमें आवश्यक तैयारी के लिए निर्देश दिए गए हैं। उसमें ARCS हैं, CCB हैं, बैंक वाले हैं, इनको सभी को हमने निर्देशित किया हुआ है। प्रत्येक धान खरीदी केंद्र के लिए हमने नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी है और सभी केंद्रों में जाकर आवश्यक जो तैयारी है उसकी जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा हमने जो बाहरी धान के आवक को रोकने के लिए लगभग 30 चेक पोस्ट भी बनवाए हुए हैं, जो गरियाबंद में है, देवभोग में है और मैनपुर में है, तो वहाँ पर भी हमारी ड्यूटी लगाई जा चुकी है। और अभी जो ब्लॉक स्तरीय जो है रकबे का मतलब उसमें सत्यापन भी किया जा रहा है कि धान बोया गया है कि नहीं। इसके बाद जिला स्तरीय सत्यापन भी होगा और राज्य स्तर से भी टीम आएगी। तो हमारी तरफ से सभी आवश्यक तैयारियां चल रही हैं। बोरे के मामले में बोरे की भी व्यवस्था की जा रही है, साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा हमने निर्देशित किया हुआ है जो भी मशीनें हैं उसको नॉपतल विभाग से कैलिब्रेट करा लिया जाए, जो आद्रता मशीन है उसको भी संबंधित संस्था से कैलिब्रेट करा लिया जाए। तो सभी आवश्यक तैयारियों के लिए लगातार कार्रवाई चल रही है। तो वहीं बलरामपुर जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। राजपुर कुसमी मार्ग पर ग्राम लडुआ के पास में रात करीब 8 बजे एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पानी से भरे गड्ढे में जाकर गिरी। इस हादसे में स्कॉर्पियो में सवार 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 6 पुरुष और 1 महिला और 1 बच्ची शामिल है। सभी मृतक कुसमी थाना क्षेत्र के लरिमा गांव के रहने वाले थे और सूरजपुर जा रहे थे। हादसा इतना खतरनाक था कि स्कॉर्पियो पूरी तरह से पानी में डूब गई। स्थानीय लोगों की मदद से चालक को बाहर निकाला गया। हालांकि आपको ये भी बताते चले कि बाकी जो लोग हैं गाड़ी में फंसे रह गए और हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और राहत बचाव का कार्य किया गया। आपको बताते चले कि तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गड्ढे में जाकर गिर गई। पूरा मामला थाना राजपुरा का है, जहां पर आपको बताते चले कि तेज रफ्तार स्कॉर्पियो में सवार 8 लोगों की मौत का मामला सामने आया। तो वहीं चालक को स्थानीय निवासियों ने बचा लिया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने और SDRF की टीम ने राहत बचाव का कार्य शुरू किया। हालांकि आपको बताते चले कि राजपुर बलरामपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वही प्रदेश में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है और ऐसा ही एक मामला बलरामपुर से सामने आया, जहां पर एक कलयुगी भाई ने अपने ही सगे भाई का शराब पीकर हत्या कर डाला। साथ ही आपको बताते चले कि बलरामपुर जिले में दिवाली त्यौहार के दिन सगे भाई ने हंडिया शराब जो है वो पी रखी थी और अपने ही सगे भाई की हत्या कर दी। मामला शंकरगढ़ थाने में दर्ज कराया गया, जिस पर पुलिस कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता चले कि पूरा मामला बलरामपुर से है, जहां पर कलयुगी भाई ने भाई की हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि बलरामपुर से हैं, जहां पर पुलिस मौके पर पहुंची, कलयुगी भाई ने भाई की हत्या कर दी है। फिलहाल मामले की जांच लगातार की जा रही है। ग्रामीणों से सूचना मिला कि गमारडी पहाड़ टोली पारा में एक व्यक्ति की हत्या हो गई है।
पुलिस तत्काल मौके पर जाकर सौ पंचनामा कार्रवाई किया और आरोपी को हिरासत में लिया, जिसमें पता चला कि आरोपी जो है आरोपी और आहत दोनों सगे बड़े भाई हैं और दीपावली का त्यौहार होने से हड़िया शराब पीने बैठे थे। उसी दौरान वो अपने दूसरे घर में जाने के लिए हो रहा था तो वो हपट के उसके ऊपर गिर गया, जिससे इसी बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया और सरई के गेड़ा से दो बार सिर में मार दिया, जिससे हीरासाई की मौके पर मृत्यु हो गई। आरोपी मनोज कुमार को पुलिस हिरासत में ले ली है और न्यायिक रिमांड पर भेजा। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश चरण और एसपी रजनेश सिंह ने अरपा नदी के किनारे बने छठ घाट का दौरा किया। छठ पूजा के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर की जा रही तैयारियों को देखा। छठ पूजा आयोजन समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक लेकर आयोजन की रूपरेखा समझी गई है। इसी के साथ आला अधिकारियों ने पुलिस, नगर निगम और अन्य संबंधित अधिकारियों को बेहतर इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। कलेक्टर ने सुरक्षा, साफ सफाई, पार्किंग की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही आयोजकों के अनुसार छठ पूजा के अवसर पर लगभग 50,000 श्रद्धालु घाट पर पूजा के लिए जुटते हैं और कलेक्टर ने घाट स्थल पर सीसीटीवी से निगरानी सहित अग्निशमन और एम्बुलेंस सेवा भी मौके पर तैनात रखने के निर्देश दिए। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं छठ पूजा समिति के अध्यक्ष वी एन झा ने बैठक में कलेक्टर को बताया कि छठ व्रतियों के लिए छठ घाट की सफाई का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और 5 नवंबर को नहाय खाय से व्रत का प्रारंभ भी होगा और 6 नवंबर को व्रती अपने अपने घरों में खरना का प्रसाद ग्रहण करेंगे। 7 नवंबर को छठ माता की पूजा अर्चना होगी और भगवान सूर्य को संध्या का अर्घ दिया जाएगा। साथ ही 8 नवंबर को भी फिर से उगते सूरज को अर्घ देकर व्रती अपना व्रत पूरा करेंगे। व्रत के लिए खरीदारी का काम भी चल रहा, सूपा, टुकना, फल फूली की खरीदारी और 6 और 7 नवंबर को की जाएगी, जिसके लिए बाजार भी सज चुके हैं। उन्होंने बताया कि छठ पूजा समिति हर साल छठ पूजा का प्रारंभ माता अर्पा की महाआरती से होता है। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि 15 सालों से लगातार माता अर्पा की महाआरती करने का उद्देश्य है माता अर्पा को पर्यावरण की दृष्टिकोण से स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाए रखना। ये 5 नवंबर से 8 नवंबर तक छठ का त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है और बिलासपुर जिले की अगर बात करें तो यहाँ पे छठ घाट है, जो कि कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा परमानेंट छठ घाट है और पाटलिपुत्रा विकास मंच है, उनके द्वारा यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था की जाती है। आज प्रशासन और पुलिस की टीम द्वारा यहाँ पे बैठक ली गई है और जो भी आवश्यक व्यवस्था है उसको हम लोग करेंगे। उसके लिए संबंधित जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन ने भी अगर देखें तो 7 नवंबर को शासकीय अवकाश की घोषणा की है, इसको लेकर और अधिक लोगों में उत्साह है। मुझे लगता है कि छठ का त्यौहार जो है हर वर्ष की तरह इस बार भी अच्छे ढंग से मनाया जाए। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के समर्थन में जनसंपर्क कर जीत का आशीर्वाद मांगा। वहीं बीजेपी प्रत्याशी सोनी के समर्थन में चल रहे इस जनसंपर्क अभियान के दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के साथ साथ प्रदेश की डॉ रमन सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल और साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 10 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की और प्रदेश और रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के समुचित विकास की गारंटी के लिए बीजेपी को विजयी बनाने की अपील की। इस दौरान बीजेपी पार्षद, दल के प्रवक्ता मृत्युंजय दुबे और साथ ही पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक पांडे सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। आपको बताते चले कि रायपुर दक्षिण उपचुनाव की जंग जो है वो अब लगातार तेज है और विजय शर्मा ने लगातार लोगों से रूबरू हो रहे, लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसंपर्क किया जा रहा है।
तो वही प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सतत सुधार और परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु महतारी वंदन योजना लागू किए जाने के बाद में महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। देखिए इस रिपोर्ट में। समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव, असमानता और जागरूकता की कमी को दूर करने और स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार करने और आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने संपूर्ण छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना लागू किए जाने का निर्णय लिया था, जिसके अंतर्गत पात्र विवाहिता महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसको लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाएं इस योजनाओं का लाभ उठा रही हैं, जो कि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रही है। महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं ने विष्णुदेव साय सरकार का धन्यवाद किया है। योजना को लेकर जब हमारी टीम ने पंचायत में महिलाओं से जब बात की तो महिलाओं के चेहरे में एक खुशी की झलक दिख रही थी और महतारी वंदन योजना को लेकर माताओं और बहनों ने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत जिस तरीके से हर माह हमारे खाते में 1,000 रुपया विष्णुदेव साय की सरकार दे रही है, जिससे हम अपने पति के ऊपर निर्भर न रहकर छोटे मोटे खर्चे, स्वयं के खर्चे और बच्चों के पढ़ने लिखने में भी पैसा को खर्च कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस योजना से महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है। इससे महिलाएं अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हुई हैं। महतारी वंदन योजना और असरदार बनाने के लिए महतारी वंदन मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया जा चुका है। इस ऐप के माध्यम से हितग्राहियों को प्रतिमाह हुए भुगतान और राशि किस खाते में प्राप्त हुई है, इसकी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। महतारी वंदन योजना को लेकर हम कई ग्राम पंचायतों का मुआयना किए हैं। उस मुआयने में साफ तरीके से हमें महतारी बहनों और माताओं से ये पता चला कि हर एक को लगातार यहाँ पे प्रति माह 1,000 रुपया मिल रहा है। उन लोग अपने बड़ी ही खुशी और उत्सुकता से कहा है सरकार को धन्यवाद, और उन्होंने यह भी कहा है कि इन 1,000 रुपयों से हम घर के खर्चे और छोटे मोटे बाहर के खर्चे या बच्चों का पढ़ाई के लिए भी हम इन पैसों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम पति के ऊपर निर्भर ना रह के हम उन पैसों को हर जगह पे खर्च करते हैं। देखेंगे किस तरीके से ये महिलाओं ने बात की है। महतारी वंदन योजना का पैसा मिलता है? हाँ, कितना मिलता है? 1,000 खर्चा, पानी, साग सब्जी लोग लड़का को दे देते हैं। अच्छा लग रही है, धन्यवाद। क्या नाम लिखे? अमला यादव बोरिया कला। हाँ, 1,000 कैसा लग रहा है? बने लागे। क्या करते हो पैसे? वो पैसा को का करते, कहीं कुछ साग पान लोग लड़का। महतारी वंदन योजना का पैसा मिलता है? हाँ, महतारी वंदन योजना का पैसा मिल रहा है? 1,000। क्या करते हो पैसे? तो पैसा के खर्चा का खन घर खर्चा। कैसा लग रहा है? अच्छा। इसमें जो सरकार को धन्यवाद देना चाह रहे हैं? हाँ। लिखते ये है तारा भाई यादव बड़े बोरिया कला। हाँ, 1,000। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। वो पैसा क्या करते? अब क्या करबो, घर खर्चा करबो, अपन जिन मन ला खींचे लेबो, खरीदबो, खाबो, हमार मन के लिए देवा था, हमार मन पर खर्चा करबो। सरकार को क्या बोलना चाह रहे हैं? धन्यवाद देना चाह रहे हैं? धन्यवाद देंगे, औका देंगे। मोर हरेंद्री वर्मा बोरिया कला। परिवंदन योजना के पैसे मिल रहे हैं? मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1,000। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या करते हैं उन पर? खर्चा पानी करते हैं, साग सब्जी, साबुन सोजा और बस, और मंजर संजान खुश है। अच्छा लग रहा है। सरकार को कुछ धन्यवाद देना चाह रहे हैं? धन्यवाद देवा था ना, मिला था हमारे कुसुम यादव बोरिया कला। परिवंदन योजना के पैसे मिल रहे हैं? हाँ, मिल रहा है। क्या कर रहे हैं? घर के छोटे मोटे काम कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई में भी लगा रहे हैं, और पति के ऊपर निर्भर ना हो करके उन पैसों का कुछ उपयोग कर रहे हैं। कैसा लग रहा है पैसा मिलने? पैसा मिलने से अच्छा लग रहा है।
सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे? हाँ, मोदी सरकार को धन्यवाद कि पैसा 1,000 हर महीने देने के लिए। धनेश परिहारिया, धनेली। परिवंदन योजना का पैसा मिलता है? मिलता है, उन पैसे का घर के कुछ काम करते हैं, सब्जी भाजी लाते हैं, अपने पति पर निर्भर नहीं रहते। कैसा लग रहा है पैसा? अच्छा लग रहा है। श्रीमती गिरिजा पुराने, परिवंदन का पैसा मिल रहा है? हाँ, 1,000 महतारी वंदन पैसा मिल रहा है। क्या करते हैं? जो पैसा 1,000 मिलता है उनके अपने छोटे मोटे अपने पति पर निर्भर नहीं है, अपने खुद के खर्चा कर लेते हैं। क्या नाम है? राशन दहारिया। कहाँ से? ढालिनी से। सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं? हाँ, सरकार को, मोदी सरकार को मेरे तरफ से धन्यवाद। भैया मिल रहा है पैसा? हमेशा अपने पति के सामने हाथ फैला रहे? नहीं नहीं नहीं, अब आप लोगों को मिल रहा है तो मिला, और मिला थे वो खर्चा वर्चा कर के लिए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हर महीना आता है? हर महीना आते हैं। हाँ भैया, मीना साहू। कहाँ से? धनेली। मातारी वंदन योजना का पैसा मिलता है? हाँ मिलता है। कितना मिलता है? 1,000। क्या करते हैं? कुछ खर्चा पानी चलाते हैं। जैसे कि पति पर निर्भर नहीं रहते, सब्जी वब्जी खरीदते हैं, और निजी खर्चा कर लेते हैं। हाँ, निजी भी खर्चा करते हैं। और मोदी, क्या क्या नाम? चंद्र कलर डहरिया। धनेली। योजना का पैसा आपको मिल रहा है? जी। क्या करते हैं उन पर? ए रे, घर खर्चा नहीं, खेती किसानी कहीं में सकेल के खत्म हो जाते। कैसा लग रहा है 1,000 रुपए पर महीना? ज्यादा मिल जाए तो अच्छा लगती। धन्यवाद, अब बढ़ाए कोशिश करे मोदी सरकार। हा, वो भी अच्छा है। क्या नाम लिखते? हेमलता रात्रे। धलेनी। मातारी वंदन योजना का पैसा मिलते? हाँ मिलते ना, खर्चा करते हम अपन घर के, यदि कहीं कुछ सामान पानी है ते हमार कुछ खर्चा है, करथन खर्चा मिलते तेल। हाँ धन्यवाद है ना मुख्यमंत्री को, पैसा हमार मन के बढ़ावा 2,000 कराए। मोर गंगा लहरी सिवनी। हाँ 1,000 घर खर्चा, किराना सामान मंगा लेते हैं। हाँ चमेली शिवनी। हाँ 1,000 वो पैसा ला खर्चा पानी कर थन गया से भरा था। अच्छा लगा थे, धन्यवाद। और पैसा बने बढ़ावा 500 लग बढ़ा दे, ज्यादा नहीं थी। 1,000 भी गैस भरा, 500 घर खर्चा कर। अमन हा शांति ढिल शिवनी। हाँ मिलता है, 1,000 मिलता है। खर्चा करते हैं भैया घर में, कई महीनों का गैस भरवा देते हैं, कई महीनों का बच्चे के पढ़ाई में लगा देते हैं। अच्छा लग रहा है। जय टंडन, ग्राम मुजगहान, थाना मुजगहान। हाँ मिल रहे हैं। 1,000 घर खर्चा करते हैं भैया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार जी को, मोदी सरकार जी को। मायापाल सिवनी। मातारी वंदन योजना का पैसा मिल रहा है? हाँ। कितना मिल रहा है? 1,000। क्या करते हैं उन पैसे का? खर्चा करते हैं घर खर्चा, दाल भाजी लेते हैं, साग भाजी दाल चावल जो भी बन सके ले लेते हैं। पैसा मिल रहा है इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाह रहे? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी सरकार को। क्या नाम लिखते हैं? दुलारी पाल। कौन सा गाँव है? सिवनी। हाँ कितना मिलता है? 1,000 घर खर्चा भैया, घर में गैस वैस भरा था, अपन जो भी लगती राशन वासन डाल देता। जो मिल रहा है माता की वंदन योजना को, उसके लिए सरकार को धन्यवाद देना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पैसा मिलते? हाँ मिलते, 1,000 ओ खर्चा उर्चा कर देते हैं भैया। अब घर में का है राशन पानी सामान और कहीं कुछ इसने ले सिरवा देते पैसा ला, बात से थोड़ी रही। धन्यवाद।
संतोषी रहरी सिंह। क्या नाम लिखते दीदी? दुकानहीन। आपको मातारी वंदन योजना का पैसा मिल रहा है? हाँ। कितना मिलता है? 1000। क्या नाम लिखते हो आप? लता। आपको मातारी वंदन योजना का पैसा मिलता है? हाँ। कितना मिल रहा है? 1000। क्या करते हो पैसे का? खर्चा करते हैं। क्या नाम लिखते हो आप? मायापाल। माया, आपको पैसा मिलता है मातारी वंदन योजना? मिलते हैं। कितना मिलता है? 1000। तो इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाह रहे हो? धन्यवाद मोदी सरकार को। आपको पैसा मिलता है? मिलते। कितना मिलता है? 1000। आप क्या करते हो पैसा? सब्जी वब्जी दाल चावल। क्या नाम लिखते हो बोले? किरण। राम भाईपाल। आपको मातारी वंदन योजना का पैसा मिलता है? हाँ। कितना मिलता है? 1000। क्या कहते हो उनको? लाल हाँ ले आऊँ चावल वावल देता हूँ। शांति। आपको पैसा मिलता है मातारी वंदन योजना? हाँ। कितना मिलता है? 1000। क्या करते हो? मैं पैसे से बहुत सामान ही खरीदता हूँ अपने घर के लिए। आपका क्या नाम है? पद्मनी साहू। आपको मिलता है? हाँ मिलता है। खर्चा करते हैं, गैस भराता हूँ, साग भाजी लेता हूँ। हाँ मिल रहा है 1000। उन पैसों का जैसे साग सब्जी तेल फूल आदि लेते हैं। हाँ क्रीम पाउडर इत्यादि मतलब ऐसे खर्च करते हैं। हाँ इसके लिए प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं कि सभी महतारी बहनों को ऐसे ही मदद करते रहें। अनीता साहू सिवनी। मिलता है? का करथन दे छोटे मोटे हमरे मन के खर्चा करथन सूजी पानी देवाथन और का करबो। मुख्यमंत्री धन्यवाद देवथन देते महतारी योजना पैसा बेटा काहे कुछ खर्चा पानी करथन छोटे मोटे। लता रात्रे लिमोरा। हाँ बेटा मिलते महतारी योजना पैसा 1000 महीना में। का करबो दादा माखूर बीड़ी वो लोग लेकर ना ना नाती ना उतरते खाई खजाना वित खर्चा है। सरकार को धन्यवाद देते। हाँ मुख्यमंत्री धन्यवाद देवथन ओकर धन्यवाद हो आगे बढ़े। हमार सोनकरीन महेश्वरी लिमोरा। वंदन योजना का पैसा मिलता है? हाँ 1000। हमन घर खर्चा करथन चावल वावल सब्जी वब्जी। गीता भाई साहू सिवनी। हाँ मिल रहा है। हाँ जब से भाजपा की सरकार बना है तब से हम लोगों को लगातार महतारी वंदना का पैसा मिल रहा है। छोटे मुझे जैसे कि अपने पति पर निर्भर रहते थे और निर्भर ना होकर उसी पैसे से हम लोग छोटे मोटे घर का खर्च है तो अपने अपने लिए कुछ खर्चा कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। पूरा नाम बताइए। राजकुमारी साहू धनेली। बने रहिएगा हर खबर के साथ। मैं सलमान चंद्रगिरी रायपुर से। महतारी वंदन से महिलाओं को जो आर्थिक सहायता प्रदान हुई है इससे उनके जीवन में हुए बदलाव का ही असर है कि महिलाएं इस योजना को लेकर खुश हैं और साथ ही उन्हें कहीं न कहीं ये उम्मीद भी है कि आगे चलकर इस योजना से उन्हें और भी कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। में इतना ही।